हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पांच न्यू आइडिया लेकर आऊं। अच्छा अच्छा आप बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा अच्छा आप बच्चों के पापा हो तो ये वीडियो तो आपके लिए। अच्छा अच्छा आप दादा हो इन सब के तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो सबके लिए है और इस वीडियो देखने के बाद आप कोई भी चीज कबाड़ा हो कुछ भी नहीं फेंकोगे। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ऐसे हम पांच गैजेट बनाएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपकी लाइफ में। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। समर एक्सपेरिमेंट। तो नंबर एक से शुरू करते हैं। तो भाई, आज मैं कोई भी पीवीसी पाइप यूज नहीं कर रहा, आज मैं कार्डबोर्ड का यूज करूंगा। चले फ्रेंड, फटाफट से कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पीस कट कर लिए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे 8x20 सेंटीमीटर का और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर। फटाफट इसका बॉक्स बना लेता हूँ। चिपकाने के लिए मैं स्टील ग्लू का यूज कर रहा हूँ। आप चाहते हो यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो। लीजिए, बन चुका बॉक्स। यहाँ पर मैं चाहिए दो वायर, देख सकते हो। ये वाला जो वायर है, ये जो लेंटर जो सरिया में बांधते हैं, ये वाला वायर है, काफी इजीली मिल जाता है और ये थोड़ा सा हैवी। आप एल्युमिनियम का वायर ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो, कोई भी वायर आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने बॉक्स तो बना लिया है, इसके ऊपर का वायर कवर भी कट कर लिया है। इस वायर को मैं बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ भाई साहब। आपको तो समझ यार, तू तो सीधा करने की बात कर रहा था, टेढ़ा कैसे कर रहा है भाई? काम है टेढ़ा का, पहले से टेढ़ा कर लेते हैं। जितना मर्जी अच्छे से खूब टेढ़ा करो, आज सीधा नहीं करना है, टेढ़ा करना है। तो लीजिए भाई, ये बन चुका है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वायर। फ्रेंड्स, ये मैं क्या बना रहा हूँ ये आपको बिल्कुल बिल्कुल अभी पता लग जाएगी। देखिए, तो मैं यहाँ पर इसे जगह लगा दूंगा। इसे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। वाओ, क्या लग रही है यार, देख सकते हो भाई, सूख चुकी है और क्या मस्त लग रही है। थोड़ा फ्रेंड्स, हमने कॉम्प्लीट, थोड़ा सा केड़ा, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा मुश्किल हमने से कर दिया है। यहाँ पे दो बार आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह का बिल्कुल डिजाइन बन चुका है। देखिए क्या मस्त, बिल्कुल मतलब आप इसे रख भी सकते हो शोकेस में, काफी अच्छा ये डिजाइन लग रहा है। चले दोस्तों, देखिए यहाँ पे बॉक्स है और इस जगह से यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब यहाँ पर चाहिए मुझे एक बजर, देख सकते हो छोटा सा बजर है। आप जो 12 वोल्ट का बजर आता है उसका भी यूज कर सकते हो। एक 5mm की LED ले रहा हूँ, इसमें 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है क्वार्टर वाट में। यहाँ पर मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूँ, आप लैपटॉप की बैटरी का भी यूज कर सकते हो। फटाफट इन कॉम्पोनेंट्स को मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ। तो भाई, इसके कनेक्शन मैंने कर दिए, कनेक्शन बहुत ईजी है। देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए LED के जो पॉजिटिव है वो सीधा बजर के पॉजिटिव पर, जो LED के नेगेटिव सीधा बजर के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया है। और पॉजिटिव देखिए सीधा एक बार मैंने इसमें कहीं भी आप लगा सकते हो, कोई से एक बार नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिए और एक बार सीधा गया बैटरी पर। और भाई बैटरी सीधा वायर का, देखिए जैसे मैं फ्रेंड्स कहीं भी टच करता हूँ, देखिए देखिए कहीं भी चोरी पकड़े जाएगी। यहाँ पर मैंने सेम ये वायर जो मैंने लगाया था, इस वायर का फ्रेंड्स अपन हुक टाइप का बना लिया है। और जो मैंने इससे पतला वायर देखा था, आप उसके बना सकते हैं भाई, वो काफी हिलेगा डुलेगा, तो थोड़ा आपको हवा लेना ही ठीक रहेगा। यहाँ पर जो ब्लू वायर है मैं इसे इस पर लगा दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है। यहाँ पर बैक टू होम, यानी कि इसे यहाँ पर रोकने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर ग्लू गन लगा दी। अब यहाँ पर ये बजेगा नहीं, बजे सेम फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरह लगा दिया। चलिए दोस्तों, इसे फटाफट मैं इसे टाइट कर देता हूँ। देखिए अभी कितना कम हो चुका है, अब भाई दिक्कत है। चले फ्रेंड्स, मैं एक बार कोशिश करता हूँ भाई इसे करने की पेशेंस के साथ। मैं थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा दूंगा, देखते हैं क्या होता है। अरे यार भाई साहब, मैंने देखो खेला था लेकिन इतना हार्ड निकला कि माने देखिए, क्योंकि भाई यहाँ देखिए यहाँ तक तो मैं लेकर आ गया, लेकिन भाई यहाँ से जो वापस मोड़ जो नीचे को जा रहा है ना, देख इसे इसे मुझे एक हाथ से ऐसे घुमाना पड़ता और तब जा करता भाई। तो जो इसे जीतेगा ना मेरी तरफ से 20 रुपये तो ज़्यादा हो गया, मैं गरीब आदमी 10 रुपये। भाई इस गेम का फायदा क्या, आपको समझ आया? तूने इस गेम को बनाया फ्रेंड, इससे जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इससे कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, काफ़ी अच्छा ये गेम है। क्योंकि दोस्तों सारा का सारा जो ध्यान है आपका इस तरह से रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं सारी चीज़ आपको फायदे बता दूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वाला प्रोजेक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा। तो चले फ्रेंड्स सेकंड की तरफ चलते हैं।
भाई गर्मी का मौसम आ चुका है, यानी कि एसी कूलर और भी अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ एक इन्वर्टर और बैटरीज की जरूरत होगी। तो अब इन चीजों की मार्केट में डिमांड होने वाली है, तो जो भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में है, यानी कि लॉक द डील ऐप। इस पे आपके दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे इन्वर्टर, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। और बड़े ब्रांड्स वो भी एक छत के नीचे मिलेंगे, जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिपगार्ड, एमरॉन और भी। और फ्रेंड्स, लिपगार्ड ने लॉन्च किया एक नई रेंज ऑफ एचकेवी इन्वर्टर जो घर और कमर्शियल सेगमेंट के लिए सुटेबल है। ये इन्वर्टर आपके घर और शॉप के सारे हैवी अप्लायंसेस का लोड उठा सकता है, जैसे एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी। तो आप पहले स्टॉक में करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए, जैसे डील्स, ऑफर, डिस्काउंट, किसी भी चीज के लिए आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर विजिट कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए। सेकंड प्रोजेक्ट काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको सबको पसंद आएगा। तो उसके लिए चाहिए मुझे एक पीवीसी पाइप की शीट और एक चाहिए 1.5 इंच का पीवीसी का पाइप। दो पीस यहाँ पर कट कर दिए और अब इन पीसों को मैं इस पर चिपका दूंगा। एक तरह का इसका रोलर टाइप का बन गया है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक 220 नंबर का एक सैंड पेपर। इस सैंड पेपर को इस पाइप के ऊपर चिपका दूंगा। इस तरह से फ्रेंड्स, ये रोलर का लुक आया है और काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चाहिए हमें दो डीसी मोटर, देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरी एक कंफ्यूजन है, मैं तो कहता हूँ दोस्त मुझे ये 10 रुपए के मिलते हैं, रियल में मुझे 10 रुपए के ही मिलते हैं, एक 10 रुपए का। फ्रेंड्स, काफी लोग कहते हैं 20 रुपए को, इधर 15 का। आप दोस्तों जहां रहते हो प्लीज वहां के रेट बताइए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, ये आपको कितने का एक मिलता है। और यहाँ पे चाहिए एक लकड़ी का पीस और दो छोटे से पीस और चाहिए लकड़ी के, जिस पर फ्रेंड्स हम मोटर को होल्ड कर सके। यहाँ पर दो होल कर दिए, होल इतने बड़े किए हैं ये इजिली इसके अंदर फिट हो जाए। और फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको फिट करनी है अच्छी तरीके से, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे इन पीसों को चिपका देंगे स्टड ग्लू से। और भाई अब इन दोनों मोटर को चिपका देंगे। यहाँ पर इसे पावर देने के लिए मैं एक डीसी सॉकेट का यूज करने वाला हूँ, तो भाई साहब इसे यहाँ चिपका देंगे। अब चलिए फटाफट इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया छोटी सी मशीन, लेकिन फ्रेंड्स काफी काम के। सपोज कीजिए आपके जो नाइफ होता है घर पर फ्रेंड, उसकी जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाती है, धार खत्म हो जाती है, तो दोस्त उसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है, डबल मोटर है। वैसे फ्रेंड्स आप जानते हो बहुत हाईलाइट, मतलब जिसमें ज्यादा टॉक तो होता नहीं, आरपीएम थोड़े ज्यादा होते हैं, टॉक बहुत कम होता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो मोटर लगाए हैं। चले फ्रेंड्स टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी के लैपटॉप की आपके सामने बिल्कुल टेस्ट करूँ, देखते हैं इसकी स्पीड क्या होगी। वाओ, देखिए फ्रेंड्स स्पीड क्या तो भगा है, वाओ काफी अच्छी स्पीड। चले फ्रेंड्स देखिए, ये नाइफ है एज ए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो देखते हैं भाई इस पर क्या होता नहीं होता है। देखिए वाओ, देखिए देखिए फ्रेंड्स थोड़ा टॉक इनका काफी इसमें थोड़ा रुक रहे हैं। देखिए फिर देखिए, आप यहाँ पर स्विच भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों देखिए ये काम कर रहा है। देखिए निशान पड़ चुके हैं और ये काफी शार्प हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वाला प्रोजेक्ट भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। चले फ्रेंड्स थर्ड की तरफ चलते हैं, और थर्ड तो भाई बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूजफुल भी है। चलिए यहाँ पर मैंने 2 इंच का पीवीसी का पाइप ले लिया है। आप 3 इंच का, 4 इंच का नाले, इससे बड़ा नाले फ्रेंड्स यही काम करेगा। और यहाँ पर मैंने 2 चंदा मामा कट कर लिए हैं। इस पाइप को और इस यहाँ पर शीट को मैं चिपका दूंगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा होल कर देंगे। दूसरा वाला पीस लेंगे और इसके नीचे रख देंगे। यहाँ पर होल करना है, एक होल यहाँ पर करना है और एक होल जोल यहाँ पर करना है। इसमें मैं किसी और तरीके से होल करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 मैंने 4 होल किए हैं, लेकिन फ्रेंड्स चारों इक्वल नहीं है। देखिए छोटे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, और ये क्यों किए हैं अभी आपको पता लगेगा। बहुत ही काम का टूल है। देखिए अब यहाँ भाई बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच एक होल कर देंगे और यहाँ पर एक स्क्रू टाइट कर देंगे। लीजिए भाई ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसके अंदर नमक भी भर सकते हो। मजाक था, मजाक है।
होता रहेगा। चले फ्रेंड्स, इसका फटाफट वर्क जान लेते हैं। भाई ये मैंने बनाया क्यों है? सपोज कीजिए आप हॉल कर रहे हैं दीवार में, देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं। देखिए क्या हाल हुआ है, पूरा नीचे तक कपड़ों तक, जहाँ भी अगर आप बेड पर करते हो फ्रेंड, देखिए बेड का जहाँ पर बेड होता है वहाँ पर दीवार करते हो, उसमें देखिए फ्रेंड किस तरह का हाल होता है। पूरी पूरी दीवार रेड हो जाती है ईंट के कलर से, और भाई काफ़ी कचरा हो जाता है, कचरा सेट बन जाता है। अब देखिए इसे लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसने लगाया, देखिए यहाँ पर आप छोटा जो कि दीवार ड्रिल हो गया ये लगा सकते हो। इससे बड़ा जैसे बड़ा सब इसमें नहीं आएगा, तो इसे घुमाइए इस तरह, देखिए ये बड़ा आ गया इसमें, ठीक है। जिससे क्या होता है कभी कभी जब हम होल करते हैं दीवार में तो ये बैग मार जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी धूल इकट्ठी निकलती है, तो इसलिए मैंने होल बड़े या छोटे किए हैं। अब देखिए ये और भी बड़ा, देखिए यहाँ पर और बड़ा होल आराम से आ जाएगा, आप और बड़ा होल कर सकते हो, देखिए वाला तो आराम से आ गया है। और मैं आपको एग्जांपल करके ही दिखाया था, टेंशन किस बात की। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया, देखिए इस तरीके से। अब मैं आराम से यहाँ पर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हो भी जाएगा होल आराम से। चलो मैं स्प्रे कर देता हूँ, देखिए देखिए कोई भी धूल नहीं रही बिल्कुल भी। अब देखिए देखिए ना इसके अंदर आ गया सारा, देखिए यहाँ पर हो चुका है। ये आप कपड़े से साफ़ कर दें, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा, देखिए साफ़ हो चुका है। और देखिए सारा का सारा कचरा इसके अंदर आ गया। अब आप इसे नीचे कहीं भी डाल सकते हो और आपकी दीवार साफ़ रहेगी, और ये भी इसे भी आप बंद कर सकते हो। देखिए ये बंद हो गया, इसमें चाहे आप दुबारा रहने दें कचरा, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें वीडियो को, और हाँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई दोस्त, अभी तो शुरू हुई है। चलिए चार नंबर प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए फ्रेंड दो कैप, देख सकते हो आप पुराने दुराने में लिख कर आऊँ उठा के कूड़े में से, और एक चाहिए हमें पेन, कोई भी लिखो फेंको पेन कहते हैं इसे, एंड यूज एंड थ्रो भी कहते हैं आई थिंक, और आप बताइए क्या कहते हैं इसे। और भाई इसमें करते हैं बिल्कुल मिड में होल, और इस पेन को डालते हैं सीधा इसके अंदर। तो भाई ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे चाहिए एक बोतल, देख सकते हो कोई भी पुरानी बोतल ले सकते हो, और इसे कट कर देते हैं गायब। इतना मैंने कट कर लिया है और इतना इनफ है, इससे आप छोटी बोतल भी ले सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे यहाँ से ज्यादा कट करना पड़ा है। अब देखिए ये इस तरह से आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे दूंगा, देखिए दोनों चीज तैयार हो चुकी है। चले फ्रेंड्स फटाफट से टेस्ट करते हैं। तो भाई इसे फिलहाल यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर मैं चाहिए एक धागा, थोड़ा मजबूत चाहिएगा, पतंग उड़ाने वाला भी ले सकते हो, और भाई इसे बांधते इस तरीके से। चलिए गाइस फटाफट से टेस्ट करते हैं। ओ भाई ये है लट्टू, यहां से मैं डोरी खींचता हूं, देखिए देखते हैं इसका बैलेंस कैसा होगा। वाह भाई वाह मस्त। देखिए फ्रेंड्स क्योंकि पेन का सिक्का था तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी इंक जो है वो छोड़ रहा है इसके। दोस्तों जो इंक है जिसकी जो निब है जिसे टिप भी कहते हैं वो टूटी पड़ी है पेन की, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर फ्रेंड्स की जो टिप है वो होती ना जिसकी पेन की, देखो देखिए टूटी पड़ी है जो उसकी चोंच होती है, तो फ्रेंड्स अगर वो आप लगा लो और भी ज़्यादा अच्छा, बहुत लास्ट हो जाएगा, बहुत देर तक घूमेगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए आवाज़ सुनिए आवाज़, और देखिए इंक छोड़ रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना फ्रेंड्स इसकी जो टिप है वो टूटी पड़ी है, यहाँ पे एक डिजाइन बन गया है। कट दिया सारा फर्ज गंदा, आज मम्मा मारेगी भाई साहब। तो भाई कैसा लगा, थोड़ी सुपारी बाहर निकाल लेता हूँ, कैसा लगा? आयो फ्रेंड्स अच्छा लगा, जिस भाई ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और लाइक कर दो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए ना तो मैं इन्हें पीता हूँ और ना ही पीने की सलाह देता हूँ, फ्रेंड्स ये नुकसान देती हैं। दोस्तों देखिए मैं पी के ख़त्म नहीं करके नहीं लाया हूँ, ये मैं किसी शॉप पैसे है जिसे ऑलरेडी लोग पी के रखते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, ये वो रख देते हैं क्योंकि एल्युमिनियम होता है और बिक जाता है, उनसे भाई मैं लेकर आया हूँ। चले फ्रेंड इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो भाई आप कोई सी भी ले सकते हो, चलिए मैं फिलहाल तो ये ले लेता हूँ। तो भाई लोगों बड़ी फास्ट स्पीड से मैंने इसे कट किया, और देख सकते हो दोस्तों ये इसका जो बॉटम का पार्ट है ये अलग हो गया है। अब चाहिए मुझे एक मोटर, डीसी मोटर जो कि 5 वोल्ट का है, और ये डीवीडी या जो सीडी प्लेयर ओल्ड जमाने में आते थे उनमें मिल जाएगा आपको, बहुत लीजिए मार्केट में, और मुझे इसे इसके अंदर फिक्स करना है। वाओ मस्त होल हो गया है, अच्छी तरीके से रोक दिया है। मोटर को चलाने के लिए मुझे 9 वोल्ट की बैटरी की जरूरत होगी, आप कोई भी लैपटॉप की बैटरी भी यूज कर सकते हो। ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच का यूज कर रहा हूँ,
चलिए मैं इसकी फिटिंग कर देता हूँ उसके अंदर, क्योंकि भाई सिंपल फिटिंग है, क्योंकि एक यहाँ पर देख सकते हो स्विच में कनेक्शन करने हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टकराना है, यहाँ पे मैंने ग्लूगन लगा दिया दोनों पॉइंट पर, देखिए जिससे दोस्तों क्या आप जानते हो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो लीजिए कनेक्शन कर दिया, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा मोटर चल रहा है और बंद। चलिए इसे अब ग्लूगन से चिपका देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक पुली, पुली को यहाँ पर लगा देंगे मोटर के शाफ्ट पर। एक चीज आइस स्टिक, जो कि आइसक्रीम की स्टिक होती है, डंडी भी कहते हैं इसे। ही हो, आई होप ये वर्क करे, एक्सपेरिमेंट है भाई, क्या कर सकते हैं। तो चलिए भाई इसे टेस्ट करते हैं। भाई मुझे नहीं पता कि भाई ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा नहीं करेगा। चलिए स्विच ऑन करते हैं। वाह चलने लगी, अरे 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 खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। देखिए यहाँ पर मैंने ग्लूगन सही से नहीं लगाई थी, चलिए मैं दोबारा लगाता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। चलिए भाई आपसे फिर ट्राई करते हैं, मैंने इसे अच्छे चिपका दिया है और देखिए चल रहा है, चल रहा है, चला दे पंखा चल गया। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है और ये पूरा का पूरा रोलर ही फंकता है। देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा बच्चे को। अब इसका एक काम मैं आपको और बताता हूँ गर्मी के लिए। तो मैंने इसे निकाल दिया है और भाई इसमें प्रोपेलर लगा दिया, भाई ये पंखे काम करेगा। देखिए पहले मैं थोड़ा सा स्टाइल दिखाता हूँ, देखिए हाँ है क्या मज़ा आ रहा भाई साहब, मतलब गर्मी का भी सौदा हो गया और बच्चों का भी सौदा हो गया। देखिए काफ़ी अच्छी हवा ये दे रहा है। तो भाई आई होप ये भी आपको काफी अच्छा लगा और ये तो 2-in-1 हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। प्लीज दोस्तों मुझे जो बताया आपको कौन सा आइडिया ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आइडिया आप बनाओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।